आज हमने ये कार्यक्रम रखा था और कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कल हालांकि जो आंदोलनकारी थे उन लोगों से, उनके नेताओं से बातचीत वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की हो गई थी और उनके 12-13 लोग आए थे, डिप्टी कमिश्नर और वहाँ के जो और अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने के बाद एक सहमति बनी थी कि एक सांकेतिक विरोध हम करेंगे लेकिन रैली में कोई किसी प्रकार का हम कोई प्रदर्शन ऐसा नहीं करेंगे। उस बात पर विश्वास रखते हुए और प्रशासन ने भी अपनी तैयारी की और आज मुझे वहाँ जब पहुँचना था तो उससे पहले रैली में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, लगभग 5,000 से ऊपर जनता थी और उस जनता के वहाँ पहुँचने पर सबसे पहले तो उनका आभार प्रकट करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम में वहाँ उपस्थित हुए। और ख़ास करके जो कैमला गांव जहाँ पर ये रैली थी, पूरा गांव का गांव और सब किसान उसमें थे तो वहाँ उपस्थित हुए थे, लेकिन जैसा कल तय हुआ था उसमें से उन लोगों ने उस बात को, उस वायदे को उल्लंघन करके और कुछ लोग तो वहाँ रुके रहे जहाँ का तय हुआ था, लेकिन कुछ नौजवान उनके द्वारा चाहे उकसाए गए होंगे चाहे अपने आप आए होंगे लेकिन उस वायदे का उन्होंने उल्लंघन किया, निभाया नहीं। हमारे नेता जो भी मंच पर पहुँच रहे थे सब पहुँचे हुए थे, केवल मुझे वहाँ हेलीकॉप्टर लेकर उतरना था तो हेलीकॉप्टर पर वो पहुँच गए बड़ी संख्या में, जिसके कारण से मैंने भी समझा कि क्योंकि लॉर्डर की स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और मैंने अपना हेलीकॉप्टर जो है निर्देश दे करके उनको और करनाल में उतारा। तो इसलिए कुछ समय के बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनका भाषण हुआ, शिक्षा मंत्री उनका भाषण हुआ, वहाँ जो विधायक हैं उनका हुआ और जो नेता वहाँ पहुँचे थे सबके भाषण हुए। वास्तव में जो हमने किसान को बताना था वो सारा संदेश उन किसानों को चला गया। आखिर तो हमने अपने विषय बताने थे वो बता दिए गए, वो मैंने बताने थे या हमारे बाकी नेताओं ने बताने थे उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था, लेकिन चूंकि गांव के ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों को एक अपेक्षा थी कि मुख्यमंत्री आज आएंगे और उस इलाके के लिए कुछ ना कुछ विकास के कार्यों के नाते से घोषणाएं करेंगे, मुझे करनी भी थी। अब ये ठीक है कि वो घोषणाएं तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ वहाँ से भी कर सकता हूँ, कोई उसमें अंतर पड़ने वाला नहीं है। उस इलाके के विकास के काम के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये की योजनाएं आज मुझे जो वहाँ बतानी थी वो निश्चित रूप से फिर किसी मौके पर उनको बता दी जाएगी। और 3 प्रोजेक्ट्स उनका उद्घाटन था आज 47 करोड़ रुपये का, वो भी वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने या तो कर दिया होगा नहीं तो फिर किसी मौके पर ऑनलाइन उसका उद्घाटन कर दूंगा। लेकिन कुल मिलाकर के आज के इस घटनाक्रम पर इतना जरूर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश में एक स्थापित लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र है और मजबूत लोकतंत्र में हमने ये पाया है कि हमें बात कहने का अधिकार सबको है, विपक्ष को भी है पक्ष को भी है, जो भी अपना यानी राइट टू एक्सप्रेशन के अंतर्गत जिस प्रकार का संविधान ने अधिकार सबको दिया है उसकी हम पालना करते हैं। हमने कभी भी इन तथाकथित किसानों के, किसान नेताओं के जो वक्तव्य हैं उनको कभी रोका नहीं, उनके जो आंदोलन चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं और उसमें तो बल्कि वहाँ पर इतनी भीड़ होने के बाद, कोविड होने के बाद भी जहाँ वहाँ इतनी भीड़ है उसमें व्यवस्थाओं में बहुत से काम हमने किए हैं। हमने वहाँ स्वच्छता के नाते से, पानी के नाते से, वहाँ जो टेम्परेरी टॉयलेट्स है उसकी व्यवस्था की है, लाइट की व्यवस्था की है, वहाँ हेल्थ सर्विसेज को लेकर के मेडिकल फैसिलिटीज़ वो उनको दी हैं, तो ये सारे काम वहाँ किए गए हैं। लेकिन ये अच्छा नहीं कि कोई अपनी बात को कहना चाहे और हम किसी दूसरे का विरोध करें, ये लोकतंत्र का तकाजा नहीं है। देश ने आज़ादी प्राप्त की है और आज़ादी का जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का जो एक पालन हुआ हमारे संविधान के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमने व्यवस्था में व्यवस्था दी है उसका उल्लंघन ये देश की जनता मुझे नहीं लगता बर्दाश्त करेगी। आखिर इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए पहले भी कांग्रेस ने एक प्रयत्न किया 1975 में जब देश में आपातकालीन हुई, तो आपातकालीन के समय कांग्रेस का ये जो घिनौना काम है उसको लोगों ने उस समय पहचाना और कांग्रेस को नेस्तनाबूद किया, धराशायी किया, सत्ता इतने लंबी पुरानी उनकी सत्ता थी उसको उखाड़ के फेंका। तो ये लोकतंत्र की प्रति, लोकतंत्र के प्रति हमारे देश की आस्था है, जनता सब जानती है और आज के इस घटनाक्रम के कारण से तो मैं समझता हूँ जनता को वह संदेश, शायद मैं अपनी बात में से इतना संदेश न दे पाता जितना बड़ा संदेश जनता को इस घटना के कारण से हो गया है। और बहुत से समाचार उसके बाद मेरे पास फोन आ रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ है और ठीक नहीं किया है और इसमें से एक हमारे समाज को, समाज में खास करके किसान वर्ग की भी बदनामी इन लोगों ने कराई है, क्योंकि किसान का ये रवैया नहीं हो सकता, किसान का ये स्वभाव भी नहीं। हमारा देश का किसान कितना ही कम पढ़ा लिखा होगा, बोला भाला होगा, लेकिन बहुत गहरी
उसकी आस्था इन चीजों में, वो बहुत समझदार है, तो इसलिए इनको उस प्रकार का समर्थन मिलने वाला नहीं है। और इसमें भी अगर मैं किसी को, एक व्यक्ति को जिम्मेवार ठहराऊं, तो उसमें जो परसों से वीडियो चलाया गुरनाम सिंह चढ़ूणी ने, तो गुरनाम सिंह चढ़ूणी ने जो जिस प्रकार का उकसाने का काम किया कि मुख्यमंत्री की जो ये सभा है, ये पंचायत है, ये नहीं होने देंगे, और हम उन्होंने अपने नौजवानों को या अपने जो साथ लगे उनके लोग हैं उनको आह्वान किया कि मरोड़ निकाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मरोड़ निकालने का विषय नहीं है मेरा, तो क्या मैं समाज का प्रतिनिधि हूँ, जनता का प्रतिनिधि हूँ, मेरी कोई मरोड़ नहीं है, मुझे तो जनता के आशीर्वाद से ये स्थान अगर मिला है तो ये जनता की अगर मरोड़ निकालनी है तो उनके सामने आ जाएगी, उसमें कहीं कोई देरी नहीं लगेगी। इसलिए अब वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते जा रहे हैं, और इस आंदोलन के पीछे अगर हाथ है तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का बड़ा हाथ है, कम्युनिस्टों का बड़ा हाथ है, तो ये सारे लोगों को भी इस बात का ध्यान में आता है कि ये कोई तौर तरीका नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लगातार वक्तव्य इस प्रकार के आ रहे हैं, उकसाने के सबके सामने हैं, और जो नेता इनके जितने भी आंदोलन पर बैठे हैं और जो बातचीत में भी जाते हैं वो सब कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। वो कम्युनिज्म जिसका नेस्तनाबूद हो गए बंगाल में, हो गए चाइना में, हो गए रूस में, हो गए, आज ये पैर पसारने के लिए लगे हुए हैं कि इन आंदोलनों के माध्यम से हम यहाँ पैर जमा लेंगे, तो इनको भूल जाना चाहिए। तो इसलिए मित्रों, आज का ये जो घटनाक्रम है इसका मैं निंदा करता हूँ इसकी, और जिन्होंने आयोजन किया उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ, चाहे वहाँ की जनता है, गाँव की जनता है, उस इलाके की जनता है, चाहे वो कार्यकर्ता है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, मीडिया के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया है, मीडिया ने सारी बात, चाहे प्रिंट मीडिया आज लिखेगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अभी तक दिखाया है, उनका सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जनता को भी इसके बारे में जो जानकारी मिलेगी उसमें से निश्चित रूप से उनका एक रूप बनेगा। जहाँ तक